जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ विज्ञान कक्षा दस के अध्याय नंबर 1 के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि हमारे चैप्टर 1 में कितना सिलेबस में है और कितना नहीं है। तो चलिए दोस्तों पहले देख लेते हैं हम लोग सिलेबस। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारे सिलेबस में है, पहले हमको पढ़ना है रासायनिक समीकरण, नंबर 2 में पढ़ना है हमको संतुलित रासायनिक समीकरण, नंबर 3 में पढ़ना है संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य, नंबर 4 में पढ़ना है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पहला नंबर में दिया है संयोजन अभिक्रिया, नंबर 2 में दिया है अपघटन अभिक्रिया जिसको वियोजन अभिक्रिया भी बोलते हैं, नंबर 3 में हमको पढ़ना है विस्थापन अभिक्रिया, फिर आगे हमको पढ़ना है नंबर 4 पे द्विविस्थापन अभिक्रिया, नंबर 5 में हमको पढ़ना है अवक्षेपण अभिक्रिया। दोस्तों ये बोर्ड पेपर में ये अभिक्रिया ज़्यादा नहीं आती है, तो दोस्तों ये सिलेबस में है लेकिन हम दोस्तों इसको नहीं पढ़ेंगे। हाय अगर आप लोगों को पढ़ना है तो पढ़ लेना, लेकिन ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है इसलिए मैं इसको नहीं बताया हूँ। तो दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। फिर नंबर छः में दिया है उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया। दोस्तों चलिए पढ़ते हैं पहली हेडिंग लिखा है दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया। दोस्तों मैंने ये रासायनिक अभिक्रिया की डिफिनेशन बहुत ही सरल शब्दों में लिखा है, तो दोस्तों चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे दिया है दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों या यौगिकों के स्थान पर उनके सूत्र तथा संकेतों द्वारा प्रदर्शित करना, यानी कि जो हमारे होंगे रासायनिक यौगिक होंगे रासायनिक अभिक्रिया में जो यौगिक होंगे उनके स्थान पर हम उनके सूत्र तथा संकेत को प्रदर्शित करते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि रासायनिक समीकरण लिखना। दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया तो आप लोग जान ही गए, लेकिन दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि रासायनिक समीकरण लिखना कैसे है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। जैसे दोस्तों लिखा है यहाँ जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, फिर तीर बनाए जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो चलिए दोस्तों इसको देखते हैं। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ दिया है जिंक का संकेत क्या होता है Zn प्लस H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को हम क्या लिखेंगे H2SO4, और फिर दोस्तों ये मिल करके हमारा क्या बना प्रोडक्ट इधर क्या बना जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ लिखा है संकेत चिन्ह, तो दोस्तों हमको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे ये संकेत होते हैं इनका मतलब क्या होता है। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं जी का मतलब होता है गैस, एल का मतलब होता है द्रव या लिक्विड, और एस का मतलब होता है सॉलिड यानी ठोस। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। और एक्वा मतलब AQ को हम बोलते हैं जलीय अवस्था। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं नंबर 2 में आता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो दोस्तों चलिए अब पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है मिलना। चलिए दोस्तों इसकी डिफिनेशन देखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो चलिए दोस्तों इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ सी का मतलब हमारा क्या होता है कार्बन, और यहाँ की ऑक्सीजन। जैसे कि हम लोग जानते हैं कार्बन हमारा क्या होता है सॉलिड यानी ठोस होता है, और ऑक्सीजन हमारी क्या होती है गैस। तो यहाँ जी लिखा है,
अब इन दोनों को मिलाकर यानी संयोजन, मतलब संयोग मतलब मिल करके, ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, CO2, और CO2 हमारी क्या है, गैस है। फिर आगे देखते हैं, 2 Mg, Mg मतलब हमारा क्या, धातु है, तो धातु हमेशा क्या होता है हमारा, सॉलिड नहीं ठोस होते हैं, तो यहाँ सॉलिड लिखा है। प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब गैस, और ऑक्सीजन को गैस मिलकर में क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और ये जो बनाता है ये सॉलिड यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है हमारा सॉलिड होता है। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, नंबर 2 में आता है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन का मतलब होता है टूटना, तो अपघटन का मतलब आप लोग जान गए हैं कि चलिए टूटना। दोस्तों देखते हैं अब इसकी डिफिनेशन। वे अभिक्रियाएं जिनमें यौगिक दो या अधिक सरल पदार्थों में टूटता है तो अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। दोस्तों जैसे कि इसके एग्जाम्पल में देख लेते हैं, लिखा है 2H2O, तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं ये क्या है हमारा, ये हमारा यौगिक है। यौगिक क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला करके यौगिक है, और ये यौगिक क्या है, लिक्विड है। फिर इसमें विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करेंगे, तो ये देखो यहाँ से दो सरल पदार्थों में ये टूट गया, यानी हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया, तो यही हमारी क्या कहलाती है, यही हमारी अपघटन अपक्रियाएं कहलाती हैं। तो दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, नंबर 3 में है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, वे अभिक्रियाएं जिनमें यौगिक में एक तत्व दूसरे तत्व का स्थान लेता है तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो चलिए दोस्तों इसके एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल में क्या दिया है, दो यौगिक यानी 2 Fe यानी सॉलिड में, और कॉपर सल्फेट एक्वस। एक्वस मतलब क्या बताया था मैंने, जलीय अवस्था, तो इसको मिलाकर के क्या बनता है। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ कॉपर सल्फेट है, और यहाँ कॉपर की दर पर कॉपर के स्थान पर यहाँ आ गया आयरन, यानी यहाँ आ गया आयरन यानी Fe आ गया, तो यहाँ से कॉपर को हटा करके यानी दूसरे तत्व का स्थान लेता है, तो ये तत्व है हमारा, इस ये तत्व की दर पर हमारा क्या आ गया, यहाँ यहाँ जुड़ गया क्या, यहाँ जुड़ गया आयरन यानी Fe जुड़ गया, तो Fe यानी फेरस इस सल्फेट इसको बोलेंगे, और कॉपर हमारा अलग हो गया इस यानी इसको बाहर निकाल दिया, तो यही हमारी क्या हो गई, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं नंबर 4 में दिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। दोस्तों द्विविस्थापन अभिक्रिया की क्या है, दोस्तों चलिए देखते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें दो यौगिक आयनों के आदान प्रदान द्वारा नए यौगिक का निर्माण करती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आयन मतलब क्या होता है, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव यानी ऋण आयन और धन आयन। तो चलिए दोस्तों इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ ये सोडियम सल्फेट और एक्वास में, तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं सोडियम क्या हमारा धातु है, तो वो क्या हमारा पॉजिटिव है, और सल्फेट यानी ये हमारा क्या है, ये हमारा सल्फेट यानी हमारा ये विलयन है, तो ये क्या है हमारा माइनस में है। और फिर यहाँ बेरियम क्लोराइड, बेरियम हमारा धातु है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव में, और क्लोरीन हमारा निगेटिव में होगा। दोस्तों जैसे कि आप लोग देखते हैं कि इसमें, दोस्तों देखते हैं जैसे कि इसमें क्या है, बेरियम सल्फेट यानी दोस्तों ये बेरियम पॉजिटिव, देखो दोस्तों दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सोडियम और बेरियम यानी धन आयन कभी नहीं जुड़ सकता। दोस्तों जैसे कि आप लोग देखते हैं ये धन मतलब इसका धन आयन इसके ऋण आयन के साथ जुड़ जाएगा, और इसका ऋण आयन इसके धन आयन से जुड़ जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये सल्फेट और बेरियम, ये हमारा जुड़कर बेरियम सल्फेट बना लिया और ये सॉलिड हो गया। और दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ इसका मैं यानी सोडियम धन आयन है और क्लोरीन क्या है ऋण आयन है, तो धन और ऋण मिलाकर क्या हमारे यहाँ बन गया, सोडियम क्लोराइड यानी 2NaCl,
सोडियम क्लोराइड यानी नमक बन गया। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया। तो उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया क्या होती है? किसी पदार्थ ऑक्सीजन का योग अथवा पदार्थ से हाइड्रोजन का निष्कासन अपचयन तथा उपचयन तथा अपचयन कहलाता है। जैसे दोस्तों जैसे कि आप लोग देखते हैं यहाँ कि ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का निष्कासन उपचयन तथा अपचयन कहलाता है। चलिए दोस्तों इसका एग्जांपल देखते हैं। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कॉपर और ऑक्सीजन है और इसमें ऊष्मा दी है, तो ये हमारा क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड CuO बन गया, यानी कॉपर ऑक्साइड बन गया। दोस्तों जैसे कि इसमें देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो बन गया कॉपर ऑक्साइड बन गया। और यहाँ जैसे देख रहे हैं आप कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 और ऊष्मा दिए तो क्या बन गया? कॉपर ये अलग हो गया और हाइड्रोजन अलग हो गया, यानी हाइड्रोजन अलग है और जल कॉपर अलग और हाइड्रोजन अलग हो गया। तो दोस्तों ये हमारा हो गया उपचयन या अपचयन अभिक्रिया। दोस्तों आप लोगों के सिलेबस में इतना ही है। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो